सो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है और आप कम बजट के अंदर एक अच्छा और परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं अपने नॉर्मल वर्क के लिए, या फिर दोस्तों आप अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा फोन चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट फोन्स के बारे में जो कि आप परचेस कर पाएंगे यहाँ पर 7,000 रुपये की प्राइस पर। कि आप यहाँ पर नॉर्मल व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह चलाने के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कंटेंट वॉच करने के लिए अच्छी डिस्प्ले वाला फ़ोन लेना है, लेकिन ज़्यादातर इस बजट के अंदर ऐसे स्मार्टफोन सेल होते हैं जहाँ पर अच्छी बैटरी बैकअप होनी चाहिए। सो गाइस, ऐसे स्मार्टफोन्स भी आपको इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। वैसे देखा जाए यार, तो इस बजट के अंदर ज्यादातर लोग यहाँ पर सैमसंग पे ट्रस्ट करते हैं, तो सैमसंग की तरफ से आपको यहाँ पर एक काफी अच्छा फोन मिल जाता है। हालांकि ये आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये फोन है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी A03 कोर। दोस्तों अभी रिसेंटली सैमसंग की तरफ से स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, और बात की जाए यहाँ पर फोन की, तो फोन की बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, साथ ही साथ कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर काफी हैंडी फोन भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर हमें यहाँ पर 6.5 इंच की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सैमसंग अपनी डिस्प्ले को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है, तो आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, तो डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर हमें बैक में 8 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। और गाइस, इस बजट के अंदर आपको जितने भी स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे वहां पर आपको कैमरा आउटपुट नॉर्मल ही देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल आपको यहां पर जो कैमरा आउटपुट है वो नॉर्मल ही देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और फ्रंट कैमरा से आप यहां पर HD+ तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। और दोस्तों, जहां तक बात है स्मार्टफोन के पावर हाउस की, तो फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहां पर नॉर्मल 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बात कर ले यहाँ पर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो फोन के अंदर हमें यहाँ पर सेम चिपसेट देखने को मिलने वाला है जो कि हमें रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी नार्जो 50i के अंदर देखने को मिल जाता है, यूनिसॉक का SC9863A वाला चिपसेट। तो जैसा कि दोस्तों परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, डे टू डे यूजेस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है, साथ ही साथ आप यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे कि आपको यहाँ पर बैटरी की खपत थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 28nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट दिया गया है, यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, साथ ही आपको यहाँ पर 3.5mm वाला जैक देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही साथ ये फोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 के गो एडिशन पर देखने को मिल जाएगा, तो लेटेस्ट OS के साथ में आता है, साथ ही आपको यहाँ पर लाइट वेट OS देखने को मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, एक लाइन में कहा जाए तो अगर आपको यहाँ पर एक ट्रस्टेबल ब्रांड की तरफ से अच्छा स्मार्टफोन लेना है, तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये फोन आपको मिल जाएगा 2GB RAM 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 7,999 रुपये की प्राइस पर। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अगले फोन की। तो अगला जो स्मार्टफोन है ये भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और दोस्तों ये फोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A। करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से, तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों आपको यहां पर डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात कर ले डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको 6.6 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको NEG DinoRex का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो इस बजट के अंदर ये काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए दोस्तों, बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर ले कैमरास की, तो हमें यहाँ पर बैक में 8 और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। और गाइस, इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर दोनों ही तरफ LED फ्लैश देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से आउटपुट भी अच्छा मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चलचित्र बनाने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं, तो आपको यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगी 30fps पर।
और गाइस बात कर ले यहाँ पर पावर हाउस की, तो 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो एक दिन का बैकअप आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट दी गई है, तो बैटरी मॉडल भी आपको अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों बात कर लेते हैं आप यहां पर परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहां पर MediaTek Helio 820 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है, जहां पर लगभग दोस्तों आपको 85,000 तक के अंततः स्कोर भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस के हिसाब से अच्छे स्कोर हैं। तो आपको यहां पर डे टू डे यूजेस और गेमिंग वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। इन सभी के अलावा आपको यहां पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ ही आपको यहां पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहां पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। साथ ही आपको यहां पर 3.5mm वाला जैक भी दिया गया है, और इसके अलावा ये फोन आपको यहां पर Android 10 के Go एडिशन पर देखने को मिल जाएगा, तो थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप आपको मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होने वाला है वो आपको अच्छा मिल जाएगा, तो यहां पर भी आपको कोई इशू नहीं होंगे। दोस्तों अगर एक लाइन में कहें तो अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये फोन आपको मिल जाएगा 2GB RAM 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 6,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी राय माने तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, जो कि दोस्तों इससे काफी बेटर फोन है, जहां पर आपको MediaTek Helio G25 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको यहां पर लगभग 1,00,000 के आसपास के अंततः स्कोर देखने को मिल जाते हैं, तो परफॉर्मेंस और गेमिंग आपको कैसी मिलने वाली ये आप समझ चुके होंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको 13MP का रियर कैमरा, 8MP का सेल्फी कैमरा और इसके अलावा 6.8 इंचेस की HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और इतना ही दोस्तों, यहां पर आपको 6000mAh का बैटरा भी देखने को मिल जाएगा। देखा जाए दोस्तों तो ये फोन आपको काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। और गाइस नॉर्मली ये जो स्मार्टफोन है आपको मिलता है 2GB RAM 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 7,499 रुपए की प्राइस पर, लेकिन सेल वगैरह में ये स्मार्टफोन आपको 7,000 रुपए की प्राइस पर भी मिल जाता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस स्मार्टफोन को यहाँ पर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर अगले फोन की दोस्तों, और नंबर 2 पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो E7 पावर। शुरू करते हैं डिजाइन से दोस्तों, तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर भी दिया गया है, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर कंटेंट वगैरह वॉच करने में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है, साथ ही उसका डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर लेते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में 13+2MP के डबल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पर 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जहाँ पर आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर हाउस की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आसानी से मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, और साथ ही चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाएगी, तो ओवरऑल सो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाएगा, बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। डे टू डे यूजर्स को हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर MediaTek Helio G25 का एक 12nm फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, हालांकि आपको यहाँ पर थोड़ी मोटी हीटिंग जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस दोस्तों डे टू डे यूजर्स में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होने वाली है, साथ ही आप यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी काफी आसानी से कर सकते हैं। के अलावा यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 SIM या फिर 1 SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। और इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस मोटोरोला के MyUX पर देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको कोई भी ब्रॉडवेयर ऐप और एड्स का पंगा देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इस फोन के अंदर आपको टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल रही है, साथ ही आपको यहां पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस के हिसाब से आपको यहां पर काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो नंबर 2 पोजीशन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट स्मार्टफोन है। अगर आप चाहें तो इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। 2GB RAM 32GB इनबिल्ट की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1TB तक की एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट है। और दोस्तों ये जो फोन है ये आपको मिल जाता है 6,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस बजट के हिसाब से एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, साथ ही आपको यहाँ पर ज्यादा रैम का सपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लावा की तरफ से आने वाला लावा Z3।
शुरू करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर से, तो इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर MediaTek Helio A20 का ही चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। साथ ही आपको यहाँ पर 85,000 के आसपास के Antutu स्कोर देखने को मिल जाएंगे, जिसका मतलब गाइस कि आपको यहाँ पर सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आएगी। इसके साथ में बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर कलर्स और ब्राइटनेस काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। तो इस बजट के हिसाब से कंटेंट वॉच करने के लिए डिस्प्ले अच्छी होने वाली है, डिस्प्ले के मामले में कोई शिकायत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं कैमरास की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बैक में 8 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों ही कैमरा से आउटपुट काफी अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर। तो कैमरा मॉड्यूल अच्छा मिल जाता है, कैमरा मॉड्यूल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा दोस्तों बात कर ले पावर हाउस की, तो 5000mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन आपको यहां पर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। इस बजट के हिसाब से आपको यहां पर बैटरी मॉडल भी अच्छा मिल जाएगा, यहां पर भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको प्लास्टिक व्हील पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको काफी स्लिम और स्लीक डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा, और आपको यहां पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो आप यहां पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। इन सभी के अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको लेटेस्ट OS यानी Android 11 के साथ में देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। और जैसा कि दोस्तों लावा के अंदर हमें कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियर स्टॉक Android देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल जाती है, साथ ही आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनके जो सर्विस सेंटर्स होते हैं उनकी सर्विसेज उतनी अच्छी आपको नहीं मिलती हैं, तो इस चीज को आप ख्याल में रखकर के स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 3GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 7,299 रुपए की प्राइस पर। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 फोन्स जो कि आप यहां पर 7 से 7,500 रुपए की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया सभी के अंदर आपको फीचर्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, तो फीचर वाइज आपको यहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि गाइस सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों उम्मीद है यार वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल तो जरूर लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।